एवरीवन, दिस इज रोशिफ एंड यू आर वाचिंग यूआई डेवलपर रिपोर्ट। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रेंज स्लाइडर। रेंज स्लाइडर कैसे बनाते हैं? अक्सर जब हमें काम मिलता है तो हम कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कस्टम भी बना सकते हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि हम बहुत लेस कोड यूज़ कर, कम से कम कोड यूज़ करके रेंज स्लाइडर कैसे बनाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि रेंज स्लाइडर कहाँ पर यूज़ होता है और कैसे वर्क करते हैं। तो जैसे कि मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, flipkart.com ओपन कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लैपटॉप, अब आप देखेंगे साइड में देखेंगे ये रेंज स्लाइडर लगा हुआ है। ये बेसिकली रेंज स्लाइडर फिल्टर्स के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे प्राइसिंग फिल्टर के लिए लगा हुआ है। अगर मुझे प्राइस थोड़ा सा कम करना है तो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे रेंज स्लाइडर को कम किया, उसी के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर हो के यहाँ हमें राइट साइड में दिख जाता है। तो रेंज स्लाइडर का यूज़ यहाँ पर होता है, इस कंडीशन में हम रेंज स्लाइडर का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक कस्टमर डिज़ाइन बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। तो हम आज यही डिज़ाइन करने वाले हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे चलाएँगे, ऐसे करेंगे, तो ऐसे मूव होगा, राइट लेफ्ट टू राइट मूव होगा। तो हम इसी डिज़ाइन को आज मतलब बनाते हैं और एचटीएमएल देखते हैं, एचटीएमएल कैसे करते हैं। और यार, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको बाद में एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि ये मतलब हम ये पोर्शन कैसे हाईलाइट करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये वाला पोर्शन तो हाईलाइट नहीं हो रहा है। सेम टू सेम जैसे ग्रे कलर आ रहा है, ऐसे ये आपको कलर मिलने लग जाएगा, आपको सेम एज इट इज ऐसा मिलेगा। तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप समझ पाएँ कि ये जितना हम इसको मूव कर रहे हैं उस ये वाला एरिया हम हाईलाइट कैसे कर पाएंगे ग्रीन कलर से। तो सबसे पहले मैं कोड पैन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डेस्कटॉप में एक फोल्डर दिया हुआ था रेंज स्लाइडर के, यहाँ इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं लेता हूँ, ले लेता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, ये बेसिक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बन के आ गया। ग्रीन स्लाइडर, तो बेसिकली हमें यहाँ क्या काम करना है, हमें तीन फाइल्स पे काम करना है, एचटीएमएल पे, सीएसएस पे और थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट पे काम करना है। तो जावास्क्रिप्ट जिसमें लोगों को नहीं आती तो उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा हमें काम करना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। बहुत सारा कोड आउटसाइड जो वेबसाइट्स होती हैं उनसे एक्स्ट्रा कोड कॉपी करने से बेटर है कि आप उसको कस्टमाइज ही कर लें और मिनिमम से मिनिमम कोड यूज़ करें। तो चलिए सबसे पहले डिव ले लेता हूँ मैं स्लाइडर, इसमें हम इनपुट ले लेते हैं रेंज। तो हम जो यू बनाने वाले हैं वो रेंज स्लाइडर बनाने वाले हैं। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू हम रख लेते हैं, और एक जो हमें स्टार्टिंग में वैल्यू दिखाई देगी वो हम वैल्यू में डालते हैं उसको। तो मैं ये रख लेता हूँ 5। यहाँ मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ किया है ओपन विद लाइव सर्वर। आप इसको मार्केट प्लेस पर जाके लाइव सर्वर सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये लाइव सर्वर मिल जाएगा। ये मैंने डाउनलोड किया, ये एक्सटेंशन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वी एस कोड की सबसे अच्छी बात ये होती है, जो हमें रिलीवेंट एक्सटेंशन चाहिए होती हैं वो इजीली हमें मिल जाती हैं, तो आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो इस एक्सटेंशन का फ़ायदा ये होता है, जब मैं इसको ऐसे लाइव सर्वर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये एक लोकल सर्वर बन जाता है। और ये अगर मैं यहाँ अपने कोड में कुछ भी सेव करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र पे यहाँ पे रिफ्रेश हो जाता है। तो इस जो VS Code की एक्सटेंशन है ये बहुत ही यूज़फुल एक्सटेंशन है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोड आ रहा है, हम यहाँ दो लेवल ले लेते हैं, एक लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए, जिसमें हमारी वैल्यू 0 रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो दूसरा लेवल ले लेते हैं, इसमें हमारी डायनेमिक वैल्यू आएगी जो हम चेंज करेंगे स्लाइडर पे।
ये मैंने जीरो ले लिया है, और राइट साइड के लिए मैंने दूसरा लेवल ले लिया है। तो जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा राइट लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरी चेंज होती रहेगी। तो हम कुछ कुछ सिमिलर टू ऐसा ही बनाने वाले हैं। तो इनपुट में मैं एक क्लास ले लेता हूँ रेंज स्लाइडर, यहाँ पे भी एक क्लास ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको राइट साइड में रखना है, तो उसमें क्लास से रख सकता हूँ। इसका नाम देता हूँ लेवल राइट। आप बेसिकली कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं तो आपको बेसिक भी दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे बनाएंगे। तो उसको सेव करके देखते हैं। यहाँ पे आ गया। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं उसको थोड़ा छोटा करके साइड बाई साइड दी। तो चलिए इसकी थोड़ी सी पहले स्टाइलिंग कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए हमें क्या बनने वाला है। बॉडी का कलर कर देते हैं ब्लैक, क्योंकि मैंने सेव किया तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है। पैडिंग लगा देते हैं, पैडिंग में फैमिली पोजीशन रिलेटिव सिंपल सी एस लिख रहा हूँ मैं, कोई इसमें कोई अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे इनपुट को, जो ये मैंने इनपुट लिया है रेंज, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा दिख रहा है। हर ब्राउज़र पर बाय डिफ़ॉल्ट अलग अलग दिखता है, लेकिन मुझे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग करना है। जैसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन लिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा डिज़ाइन बनाना है। तो हम चलिए इसकी स्टाइलिंग करते हैं रेंज स्लाइडर की। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जो रेंज स्लाइडर पर मैं लगाने वाला हूँ, जिसकी वजह से मुझे बाय जो डिफ़ॉल्ट मुझे डिज़ाइन मिल रहा है, मुझे वो डिज़ाइन चाहिए, मुझे कस्टम डिज़ाइन कस्टमाइज इसका डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए क्या होता है, मैं एक प्रॉपर्ट होती है अपीयरेंस, मैं फिट अपीयरेंस जो होता है उसको नन कर दूंगा और अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करूंगा। अब जैसे ही मैंने सेव किया, तो देखेंगे आप ये वो जो डिज़ाइन ब्राउज़र मुझे दे रहा था वो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब मैं अपने अकॉर्डिंग जो पीछे वाला पार्ट है, ये जो स्क्रिप आ रही है और जो इसका थंब आ रहा है, मैं उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे चेंज करेंगे। तो मैं फटाफट प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। वाइट थोड़ी सी कम कर देता है, उसका बैकग्राउंड कलर अभी के लिए मैं ये करता हूँ हल्का सा डल हो गया। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जो जब हम इसको ऐसे करेंगे जो उसका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है वो हाईलाइट कैसे करना है, वो आपको कोई वीडियो में बताता नहीं है, इजीली बताता नहीं है वीडियो में, बस आपको एक स्लाइडर बनाना दिखा देते हैं। लेकिन हम जो ये लेफ्ट साइड वाला हाईलाइट पार्ट होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे डिज़ाइन में दिखाया, ये जो हाईलाइट पार्ट होता है, जब मैं इसको जितना इधर करता जाऊँगा तो ये हाईलाइट उतना ही हाईलाइट होता जाएगा। चलिए हमने ये बैक पीछे वाली स्ट्रिप का तो डिज़ाइन कर लिया, हम इसको जो ये थंब है इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो उसको भी जैसे हमने यहाँ पे सेम जैसे इसको डिज़ाइन किया और सेम वैसे ही उसको भी डिज़ाइन कर लेंगे। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है वेबकिट स्लाइडर थंब। मैं ऐसे लिख लेता हूँ वेबकिट स्लाइडर थंब। जैसे सेव करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से ये हाइड हो गया है, क्योंकि मैंने इसका अपीयरेंस नन कर दिया। और अब जो हम इसको कस्टमाइज डिज़ाइन करेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो मैं इसकी भी हाइट डिफाइन कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन में डिफाइन किया हुआ है वही ले लेते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ये कोड कॉपी कर लेते हैं। एक्चुअली इसकी हाइट भी वही रख लेते हैं, इसकी हाइट है 20 और राउंड वाले की हाइट 50, तो 20-50 कर लेते हैं। मैंने इसको 50 लिया हुआ, यहाँ पर 20 ऑलरेडी है, तो उसको मैं पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये मुझे मिल गया है, इसको राउंड कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो हमें कुछ कुछ डिज़ाइन वैसा ऐसा ऐसा डिज़ाइन कुछ कुछ मिलने लग गया है। तो चलिए अभी इसकी एक शेडो भी लगा देते हैं, जो जैसे ये हो, ये शेडो आपको अगर राउंड वाली दिख रही है
तो इसको जब होवर करेंगे या एक्टिव करेंगे तो ये बबल्स ऐसे राउंड बबल्स आ जाएगा, चलिए इसको भी बना लेते हैं। तुम्हें सिंपली इस पर होवर एक्टिव लगाना है, तो मैं सेम इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं इसको होवर करता हूँ तो मुझे क्या कराना है, तो सिंपली मैं यहाँ होवर पे बॉक्स शैडो यूज़ कर रहा हूँ। पिक्सल और अभी फिलहाल ऐड करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए जैसे मैं इसको होवर करता हूँ तो ये ऐसे मुझे बैकग्राउंड में ऐसे शेडो मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको कर लेता हूँ फटाफट से। तो देखिए गाइस जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो पीछे आपको बबल्स दिखाई दे रहा होगा, तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ रहा है। सेम ऐसे ये मैं एक्टिव पे लगा देता हूँ, अभी मैंने होवर पे लगाया तो ऐसा आ रहा है। एक्टिव पर थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, तो मैं सेम ही कॉपी कर लेता हूँ। और एक्टिव पर इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी ये होवर आ रहा है और एक्टिव होकर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो ये आप अच्छा डिजाइन होवर और एक्टिव। अभी हमारा CSS तो ऑलमोस्ट लगभग कम्प्लीट ही हो गई है। अभी जो मैं यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज दी हैं ये भी दिख नहीं रही है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पर दो लेवल लिए, एक जीरो वाला एक राइट साइड वाला। तो इस पर मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई थी, अगर आपको दिखाता हूँ मैं, मैंने दो लेवल लिए हैं तो जीरो प्रॉपर्टी वाला और ये लेवल राइट वाला। लेवल राइट में अभी कुछ ज़्यादा नहीं है तो उसका दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर हंड्रेड कर देता हूँ और यहाँ पे क्लास लिख लेता हूँ लेवल राइट। अगर मैं इसका फ्लोट राइट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो अब देखेंगे यहाँ पे ये आ गया। तो अभी हमारा ये डिज़ाइन CSS तो हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमें इसको जब मैं इसको मूव करता हूँ तो उसके मूव होने के साथ साथ ये वैल्यू पे हमें चेंज करानी होगी। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एक जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी, तो हम जावास्क्रिप्ट को भी देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ, उसको बंद कर देता हूँ। तो गाइस हमें जावास्क्रिप्ट में करना क्या है, हमें सिंपल इतना सा काम करना है कि मुझे यहाँ पे मैं इसको अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्क्रॉल करने पे मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही होगी, मुझे सिर्फ उस वैल्यू को यहाँ पर अपेंड कराना है। मतलब यहाँ जो वैल्यू मुझे यहाँ मिली उसको यहाँ पे कॉपी कराना है एक तरह से मुझे, और जब जैसे मैं मूव करता जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर वैल्यू चेंज होती जाएगी। मतलब सिंपल मुझे यहाँ से वैल्यू लेनी है, वो यहाँ पर डालनी है, मुझे इतना सा काम करना है। तो चलिए उसको देखते हैं जावास्क्रिप्ट में उसको कैसे करते हैं। तो सिंपली जैसे मुझे इनपुट की वैल्यू लेनी है तो मैं इनपुट पे आईडी डिफाइन कर देता हूँ, आईडी दे देता हूँ मैं स्लाइडर। और मुझे वैल्यू कहाँ पर डालनी है, ये स्लाइडर वाली कॉपी वैल्यू करके कहाँ डालनी है, इस दूसरे वाले लेवल में डालनी है 100 वाले लेवल में। तो यहाँ पे भी मैं एक आईडी ले लेता हूँ, आईडी का नाम लिख देता हूँ मैं लेवल, ठीक है। तो ये दोनों आईडी मुझे ये स्लाइडर और लेवल में जावास्क्रिप्ट में लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये स्लाइडर की वैल्यू उस लेवल में अपेंड करानी है, मतलब वैल्यू उस लेवल में डलवानी है। तो सिंपली इसको हम लिखते कहते हैं, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ वेरिएबल स्लाइडर, मैं भी आपको बताऊँगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों लिखते हैं इसको। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ ये लाइन लिखी है स्लाइडर डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर डॉट स्लाइडर, इसका सिंपल इतना सा मतलब है, जो अगर मुझे इस इनपुट को सिलेक्ट कराना है तो ये क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, इस इनपुट को इस आईडी को सिलेक्ट करेगा। इस लाइन का सिंपल ये मतलब है कि अगर मुझे इस पे कुछ भी वर्क कराना है कुछ इसको, तो उससे पहले मुझे इसको सिलेक्ट कराना पड़ेगा। तो मैंने ये लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और उस आईडी का नाम लिख दिया, और मैंने इस पूरे इस जो मेरी ये आईडी है मैंने इसको एक वेरिएबल में ले लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे अब आगे कुछ भी काम करना है तो मैं इस वेरिएबल की हेल्प से काम कर सकूँ, मुझे इतना बड़ा इतनी लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिंपली उस स्लाइडर लिखना है उस पर मैं जावास्क्रिप्ट का कुछ भी काम कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने इसको इस आईडी को जावास्क्रिप्ट में लिया है, ऐसे ही मैं इसको कॉपी करके लेवल को भी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं लेवल के लिए मुझे मेरी आईडी थी लेवल,
तो इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ सेम जैसे मैंने ऊपर लिया है, ठीक है गाइस। तो ये तो हमारे पास सिर्फ अभी आईडी आ गई है, मैं इसके अभी तो ये सिर्फ मेरे पास एक आईडी आई है जो मैंने इसको वेरिएबल्स में लिया है। अब हम एक्चुअल में काम करते हैं, मुझे क्या करना है, जो ये वैल्यू जो आ रही है इसकी वैल्यू को मुझे इसमें डालना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे डालते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ लेबल डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है गाइस, तो इसका मतलब ये हुआ जो स्लाइडर में जो वैल्यू आ रही है वो लेबल में, लेबल के इनर एचटीएमएल लेबल में डल जानी है। इनर एचटीएमएल का मतलब होता है कि अगर मुझे इस लेबल में यहाँ पे कुछ वैल्यू डलवानी है, मतलब लेबल का जो ये स्टार्टिंग टैग है और एंड टैग है इसके बीच में अगर मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू डालानी है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं इनर एचटीएमएल। अब मैंने लिखा है लेबल डॉट इनर एचटीएमएल, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस लेबल पे जो आईडी है ये आईडी कहाँ पे है, लेबल पे है, तो इसके इनर एचटीएमएल में यहाँ पे वैल्यू डल जाएगी, मतलब ये वैल्यू यहाँ से कॉपी होगी और यहाँ पर डल जाएगी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सेव करके देखता हूँ, मैंने यहाँ पर वैल्यू क्या डाली हुई है, फाइव वैल्यू डाली हुई है मैंने, तो इसकी फाइव वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जानी चाहिए। मैं इसको सेव करके देखता हूँ तो देखेंगे, जैसे मैंने सेव किया तो मुझे इसकी जो वैल्यू थी यहाँ फाइव यहाँ पर मिल गई है मुझे। तो अभी जब हम इसको मूव करेंगे, मूव करने पर जो इसकी मुझे वैल्यू मिलेगी उसको यहाँ पर कैसे डालना है वो भी देख लेते हैं। तो मुझे उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा फंक्शन लिखना है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप भी देख लीजिए ये फंक्शन किस पर लिखना है, स्लाइडर पर लिखना है, क्योंकि मुझे इसी पर वैल्यू जो है इस पर डालनी है। तो मुझे इस पर जो इस जो मैंने ये आईडी ली है इसके ऊपर जो मैंने वेरिएबल लिया है मैं इस पर फंक्शन लिख रहा हूँ, तो मैंने इसीलिए स्लाइडर डॉट यहाँ पर लिख लेता हूँ, सिंपल सा फंक्शन ऑन इनपुट। मैं आपको बताऊंगा बाद में कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या होता है। तो जो गाइस मैंने यहाँ पे काम किया था सेम टू सेम, अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, अब सेम चीज़ मैंने ऑन इनपुट पे लगा दी है, जो मैंने ऊपर वैल्यू थी सेम टू सेम मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ऑन इनपुट क्या करता है, अगर मैं इसको माउस से मूव करूँगा या कीबोर्ड से मूव करूँगा तो मुझे वो वैल्यू मिलती रहेगी। ऑन इनपुट का फंक्शन का काम वही होता है। तो मैं इसको सेव करके देखता हूँ, मैंने सेव किया और अब देखता हूँ मुझे वैल्यू मिल रही है। देखिए गाइस मुझे वैल्यू मिलने स्टार्ट हो गई। अभी मैं इसको माउस से कर रहा हूँ, मैं आपको कीबोर्ड से दिखा रहा हूँ, मुझे वो कीबोर्ड से भी कर रहा हूँ और अब माउस से कर रहा हूँ, तो दोनों केस में मुझे वैल्यू चेंज होती मिल रही है। तो इस फंक्शन का यही काम होता है ऑन इनपुट का, कि ये माउस जो माउस मूव करते हैं और अगर हम कीबोर्ड से कुछ भी वैल्यू चेंज करते हैं तो दोनों केस में मुझे ये फंक्शन चल जाता है। बस एक लास्ट में एक टास्क बचता है, जितना मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो उससे पहले वाला पोर्शन हमें हाईलाइट होना मिलना चाहिए, जैसे मैं डिज़ाइन में दिखाया मैंने आपको, जितना भी मूव करता हूँ तो ये पोर्शन हाईलाइट हो जाता है। अब ये आप देखोगे तो ज़्यादातर ट्यूटोरियल में या वीडियो में आपको ये ज़्यादातर ट्यूटोरियल में या आप नेट पर देखोगे तो बहुत मुश्किल से ये चीज़ें मिलती है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ आपको, इसको हम पहले वाले पार्ट को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं उसको कैसे करते हैं। तो अगर आप इस डिज़ाइन में देखेंगे, ये जो मेरी पीछे वाली स्ट्रिप है ये दो कलर्स में डिवाइड हो रही है, एक ग्रीन कलर में और ग्रे कलर में। तो इसका सिंपल से सॉल्यूशन ये है कि हम इसको लीनियर ग्रेडिएंट में ले सकते हैं, हाँ लीनियर ग्रेडिएंट में। तो लीनियर ग्रेडिएंट एक सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी डिव में किसी भी एरिया में दो या दो से ज़्यादा कलर दिखाने होते हैं। तो यहाँ हमारे वाले केस में मुझे दो कलर दिखाने हैं, तो इस केस में मैं लीनियर ग्रेडिएंट यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए उसको देखते हैं हम अपने लीनियर ग्रेडिएंट को अपने डिज़ाइन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम दोबारा से अपने कोड में चलते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कलर लिया हुआ है, अभी मैंने यहाँ पे सिंपल ग्रे कलर लिया हुआ है, अगर मैं आपको लीनियर ग्रेडिएंट में कलर लेके दिखाता हूँ तो देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट होती है हमारे डिज़ाइन में। अभी मैं आपको यहाँ पे सिंपल दो कलर लेके दिखाता हूँ, रेड एंड ब्लू। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे गाइस ये दो कलर में डिवाइड हो गया है। लेकिन अब ये कलर, ये जो कलर आ रहे हैं वो वर्टिकलर ही आ रहे हैं, ये हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ 90 डिग्री, तो गाइस आप देखेंगे ये फिटेड आउट होके आ गया है। तो हमें लेफ्ट साइड में रेड मिल रहा है और राइट साइड में ब्लू मिल रहा है। और हम इसको थोड़ा सा अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा सॉलिड कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसकी परसेंटेज डिफाइन कर सकता हूँ मुझे कितना सॉलिड कलर चाहिए। अभी ये तो ये ऐसे मर्ज हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड कलर है, लेफ्ट में ग्रीन और राइट में ग्रे। तो मैं अपने डिज़ाइन को सॉलिड करना है, तो मैं इसको सॉलिड बना लेता हूँ। तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ
50%, तो रेड मेरा 50%, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, सेव कर देता हूँ, तो कॉमन लगा। तो गाइस आप देखेंगे बिल्कुल सॉलिड मुझे वैल्यूज मिल गई है। तो लीनियर ग्रेडियंट लगाने से मुझे अपनी जो मेरी स्लाइड है मुझे दो कलर्स मिल गए हैं। अब मैं इसको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग कलर को चेंज कर देता हूँ फटाफट से। तो देखिए गाइस जैसे मेरा डिजाइन था ऑलमोस्ट मुझे डिजाइन वैसे ही बन गया है। बस अभी मुझे क्या कराना है, मुझे जैसे मैंने इसकी वैल्यू चेंज करा रहा हूँ ऐसे मुझे ग्रीन कलर की वैल्यू भी चेंज करानी है। तो जैसे मुझे यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है, अगर मैं सेम टू सेम जावास्क्रिप्ट से ये वैल्यू भी चेंज करा दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी वैल्यू जो आ रही है, मैंने वैल्यू दे रखी 50%। अगर देखिए मैं आपको बढ़ा कर दिखाता हूँ, इसको मैं 60% कर देता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा और बढ़ गया। तो मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट से सिंपल ये वैल्यू चेंज करानी है। अगर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जावास्क्रिप्ट से इस वैल्यू को कैसे चेंज कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, सेम टू सेम इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट में लिख लेता हूँ। तो मुझे वैल्यू कब चेंज करानी है, जब मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा, जब मैं इसको मूव कराता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो मैं इस वैल्यू को सेम टू सेम यहीं पर डाल देता हूँ। और जावास्क्रिप्ट में हम स्टाइल कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो स्टाइलिंग मुझे करनी है सेम स्लाइडर पे स्टाइलिंग करनी है। तो मैं लिख लेता हूँ स्लाइडर डॉट स्टाइल और उस प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी हमारी है बैकग्राउंड इक्वल टू, और इसको ले लेते हैं ऐसे कोर्स में ले लेते हैं, डबल कोर्स में ले लेते हैं, सिंगल कोर्स में ले लेते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से अपना कोड सेसर डाल देता हूँ, न्यू कोड में डाल देता हूँ। सेव करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अभी जावास्क्रिप्ट से चलने नहीं आता, क्या इशू है। अच्छा, मैंने इसको फंक्शन के अंदर डाल दिया है, फंक्शन के अंदर नहीं डालना है अभी। मैं फिलहाल इसको बाहर डाल देता हूँ फंक्शन में, ये हमारा फंक्शन है मेरे बाहर। अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ। तो देखिए अभी जावास्क्रिप्ट से वैल्यू आ गई है। अब सेम वैल्यू जो मुझे लोड टाइम पे मिल रही है, मुझे वैल्यू मिल रही है, सेम वैल्यू मुझे यहाँ चेंज करने पे मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस कोड को अगर मैं यहाँ सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके अगर यहाँ पर डालता हूँ, तो मुझे ये वैल्यू चेंज करानी है सिर्फ ये वैल्यू। जितनी वैल्यू मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल रही है, सेम वैल्यू मुझे ये चेंज करानी है। तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, ये वैल्यू कैसे चेंज कराऊँगा मैं। तो जो मुझे स्लाइडर से वैल्यू मिल रही है उसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो हमारा कोड चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको। तो गाइस जावास्क्रिप्ट में जब हमें दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना होता है, तो मैं यहाँ पे प्लस साइन लगाना होता है दोनों साइड में। तो मैं यहाँ पे प्लस साइन लगा देता हूँ, जल्दी यहाँ पे मैंने प्लस साइन लगा दिया, यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया। और मुझे आप यहाँ से तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, कितनी वैल्यू चाहिए 60-50, और मुझे साथ में चाहिए परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख लेता हूँ इसके बाहर, मैं सेव करके देखता हूँ। ठीक है, तो हमारा कोड चलना स्टार्ट हो गया। ओह क्या बात है, तो बड़ा करके देख लेते हैं। अभी गाइस यहाँ पे एक फेडेड आउट आ रहा है, अभी तो मुझे लगता है अभी सही नहीं हुआ है, तो हम इसको देखते हैं, इसको फिक्स करते हैं, ये फेडेड आउट क्यों आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे मुझे इसको जीरो करना होगा, तो अभी इसलिए फेड हो रहा है, यहाँ पे भी जीरो करना। तो जो मैंने वैल्यू यहाँ पे कॉपी की है सेम मुझे यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। अब ये रन टाइम पे, और जब मैं चेंज करूँगा दोनों कंडीशन में मुझे वैल्यू मिल जाएगी। मैंने इस वैल्यू को CSS में नहीं लिखा है, रन टाइम के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जब मैं इसको मूव करूँगा उसके लिए मैंने इस फंक्शन में लिख दिया है। तो एक बार रिफ्रेश कर ले रहे हैं, अब ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।